प्रभु, इतनी विचित्र तपस्या आरंभ की इन तीनों ने, किंतु उस तपस्या का क्या लाभ हुआ? क्योंकि वो तीनों तो अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे, और अमृतत्व का वरदान तो किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ गणेश जी, जीवन और मृत्यु के चक्र से तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए अमृतत्व का वरदान तो इन तीनों असुरों को भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु भोलेनाथ महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। ओह, अब मुझे ज्ञात हुआ प्रभु, ये तीनों असुर पिताश्री के वरदान से सुरक्षित होकर अजय हो गए थे, इसलिए शक्ति से उन्हें क्षति पहुंचाकर पराजित करना असंभव था। कुबेर जी से ऐसी भूल हुई, ये सत्य तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती, जो सदा जगत कल्याण के प्रति समर्पित रहती है, और महादेव, जिन्होंने संसार की रक्षा हेतु कालकूट विष को भी अपने कंठ में धारण किया, उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर ऐसे महासुरों को कैसे उत्पन्न कर दिया, जो समस्त संसार के महासंकट ही नहीं संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश का कारण भी बन सकते हैं। गणेश जी, माता पराशक्ति की इच्छा, उनकी लीला सर्वोच्च है। संसार में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना उन्हीं की इच्छा के अनुसार होती है। उनकी इच्छा के पीछे का कारण तो एकमात्र माता को ही ज्ञात है, इसलिए जब हमसे अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे स्वभाव और इच्छा के विपरीत होने पर भी हमारे नियंत्रण के परे, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसके पीछे माता पराशक्ति अर्थात सभी माताओं की माता की ही इच्छा है, और इस सत्य का सामना तो आपको भी करना होगा। मुझे प्रभु? आप प्रभु महादेव और माता पार्वती की भूल को तो देख पा रहे हैं गौरीपुत्र, किंतु उस भूल को नहीं जो आपसे, जो स्वयं आपसे हुई। भूल हुई है मुझसे? हाँ गौरीपुत्र, इन तीनों से अधिक भीषण, अधिक भयंकर भूल तो आपसे हुई। वो भूल जिसका नाम है भंड कुमार अर्थात भंडासुर। हो रही है हमारे महानायक भंडासुर के प्रभाव में, अर्थात हमारे महानायक भंडासुर अवश्य ही अपनी योजना में सफल हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो अब हमें भी अपना नियत कार्य पूर्ण करना चाहिए। तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ, तत्पर हूँ। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। उसके समक्ष तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ताड़कासुर, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मायासुर, दुर्गमासुर जैसे महासुर भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होंगे, क्योंकि ये भंडासुर और इसकी दुष्टता का भयानक प्रभाव उन सभी असुरों से अनेक गुना अधिक होगा। भूत, वर्तमान
भविष्य के सभी असुर यदि एक साथ भी आ जाएं, तो भी एकमात्र असुर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक दुष्ट, अधिक दुराचारी, क्रूर और अधर्मी होगा। अर्थात ये तो सर्वनाश का ही पर्याय होगा। अपनी सर्वनाशी सत्ता मात्र एक ब्रह्मांड पर नहीं, अपितु अनेकों ब्रह्मांडों पर स्थापित करेगा। एक छत्र अंधकार रूपी साम्राज्य होगा इसका, और उस साम्राज्य का विस्तार एक बार होगा तो वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। धर्म पुण्य अच्छाई का सबसे बड़ा शत्रु होगा ये, जिसके लिए बड़े से बड़ा पाप, अधर्म और अन्य किसी को होने वाला कष्ट चलता है ही होगा। ये तो चलता है ना, तो चलता है ना, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। और अपने इसी चलता है के भाव के कारण और वो अपनी धूर्तता से सभी से वो करवाने में सफल होगा जो वो चाहता है, जैसा उसने आपके साथ किया। गणेश जी की सीख को सत्य करने, गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा, आपको ऐसा करना ही होगा। चाहिए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। आप ही हैं जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे। अन्य सभी की बुद्धि को अपने वशीभूत कर उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाने वाला ये दुष्ट असुर अपनी कपट बुद्धि से 10 पग आगे की योजना का निर्माण करने में समर्थ होगा। शारीरिक बल नहीं, इसकी दुर्बुद्धि ही इसकी शक्ति होगी, इसलिए ये दूसरे असुरों से कहीं अधिक भयंकर होगा। और जिस प्रकार एक भूखे सियार से भयभीत होकर एक खग वन के किसी एकांत स्थान में छिप जाता है, उसी प्रकार भंडासुर और उसकी कुटिलता से भयभीत, आतंकित संसार की समस्त अच्छाई संसार के किसी ऐसे एकांत स्थान में जाकर छिपने पर विवश हो जाएगी, जहां उस पर कभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ सके। इस प्रकार वो एक अनंत अंधकार के साम्राज्य का अधिपति बनेगा, ऐसा भयानक अंधकार जो कदाचित धर्म के प्रकाश को फिर कभी उजागर न होने दे, जिसके कारण मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और ऐसा मात्र एक ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में होगा। मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही थी, किंतु फिर मुझे इसका आभास क्यों नहीं हुआ? गणेश जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी माता पराशक्ति की लीला में ही निहित है। यदि बिना ज्ञात हुए हमारे नियंत्रण के बाहर हमसे कोई ऐसी बड़ी भूल होती है तो वो भी माता पराशक्ति की इच्छा से ही होती है। प्रभु, माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है, अज्ञात है, किंतु क्या माता अपनी इस लीला से मेरी ही परीक्षा हेतु इस महासंकट रूपी महाअसुर भंडासुर से मुक्त होने का उपाय ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही हैं? मुझे विश्वास है प्रभु कि माता ने इसीलिए मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर पाने आपके पास भेजा, तो मैं भी इस अंधकारी भंडासुर को रोकने का अथक प्रयास करूंगा। आप कृपा कर इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें प्रभु, मुझे कोई उचित उपाय सुझाएं। गणेश जी, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और मात्सर्य, ये 6 महाविकार जो भंडासुर की शक्ति के स्रोत हैं, जब ये पूर्ण रूप से उसमें समाहित होंगे तभी सर्वशक्तिशाली बनेगा वो। किंतु जन्म से उसमें 3 विकार अर्थात क्रोध, मद, मात्सर्य ही उपस्थित हैं। लोभ, मोह, काम की शक्ति वो लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को अपने भीतर धारण करने पर ही प्राप्त करेगा, और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। इसलिए यदि भंडासुर को सर्वशक्तिशाली अपराज्य भंडासुर बनने से रोकना है तो आपको इन तीनों असुरों को रोकना ही होगा। मैं ऐसा अवश्य करूंगा प्रभु, लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को भंडासुर का भाग बनने से अवश्य रोकूंगा। मैं जो भूल मैं कर चुका हूँ
उसे सुधारने का तो एक ही उपाय है मेरे पास। इसलिए हे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए कि मैं किसी भी प्रकार इन तीनों असुरों द्वारा भंडासुर को पूर्ण होने से रोकने में सफलता प्राप्त करूं। प्रभु हैग्रीव से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर तो मेरा हृदय अब और भी विचलित है। भूलवश कैसे भयंकर असुर की रचना कर दी मैंने, किंतु अब एक भी क्षण विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। शीघ्र उन तीनों असुरों को ढूंढकर उन्हें रोकना चाहिए, और वो तीनों तो भंडासुर के निकट ही कहीं स्थित होंगे। कम अवधि में ही इतने अधिक तपोबल का संचय कर लिया इस भंडासुर ने। इस प्रकार तो प्रभु हैग्रीव की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। गणेश, शीघ्र मेरे साथ चलो अनुज, क्योंकि देवताओं को हमारी अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि अनुज, देवताओं पर एक अज्ञात संकट छाया है। किसी ने देवताओं के अमूल्य रत्न चुरा लिए हैं। वो रत्न जो उनकी शक्ति के स्रोत है। और इतना ही नहीं अनुज, उस धूर्त चोर ने सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष, माता कामधेनु और दिव्याशु, उच्च श्रेवा का भी अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया है। मैंने देवताओं के इन अनमोल रत्नों को। अब इन्हें यहीं सुरक्षित करूंगा मैं। कार्य संपन्न हुआ। किसका कार्य हो सकता है? ना तो इसका किसी को ज्ञान है और ना ही कोई संकेत। देवताओं के अनुसार भी ये सभी रत्न अचानक ही स्वर्ग से अदृश्य हो गए, और जिसने भी ये कार्य किया है वो पूर्ण रूप से अज्ञात है। तो मैं भी उस चोर को कैसे ढूंढूं? मुझे इन पदचिन्हों को देखकर कुछ आभास हो रहा है। ओम नमः शिवाय। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। मुझे ज्ञात है ये किसका कार्य है। तो शीघ्रता करो अनुज, मुझे बताओ कि कौन है वो दुष्ट। वो दुष्ट उन तीनों दुष्टों में से ही कोई एक है। वो तीन अर्थात ममतासुर, कामासुर और लोभासुर, जो तीन महाविकारों से उत्पन्न हुए महासुर हैं।
ममतासुर मोह फैलाता है, कामासुर काम भावना का विस्तार करता है। चोरी हुए इन तीनों रत्नों से इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं लग रहा, तो शेष रहा वो लोभासुर। वो समय शीघ्र आएगा जब हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या संपन्न होगी, तब उन्हें इन सभी रत्नों की भेंट देकर उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य बनूंगा मैं। क्योंकि ये इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ माता केवल दुग्ध ही नहीं देती अपितु किसी की भी मनोकामना तत्काल पूर्ण भी कर देती है। ये कल्प वृक्ष उन्हें दिव्य अस्त्र क्रूर पशु सेना देगा, और ये उच्च सर्व अश्व उनका दिव्य वाहन बनकर उन्हें अजय बना देगा। और जब इन सभी की भेंट मुझसे प्राप्त करेंगे महानायक भंडासुर जी, तो फिर उनके असुर सम्राट बनने पर तो उनका मुख्य सेनापति तो मैं ही बनूंगा। असुर सेनापति लोभासुर की जय। भैया मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य उस लोभासुर का ही है। लोभ उसका स्वभाव है और चोरी उसका कर्म। अनुज यदि माता कामधेनु कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का अनुचित उपयोग हुआ तो देवताओं के साथ साथ समस्त सृष्टि पर भी अनिष्ट की छाया छा जाएगी। इसीलिए हमें शीघ्र अति शीघ्र उन रत्नों को ढूंढ कर उसे उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा। वो लोभासुर अभी कहाँ होगा ये तो मुझे ज्ञात नहीं भैया, किंतु उसे कहाँ बुलाकर बंदी बनाया जा सकता है ये अवश्य ज्ञात है, और वो स्थान है कुबेर जी का राजभवन। मूषक जी, नमः शिवाय। मैं तुम्हारे असुर सेवकों को तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा भंडासुर। ओम नमः शिवाय। किंतु कुबेर जी का भवन ही क्यों अनुज गणेश, उसे वहीं बंदी क्यों बनाया जा सकता है, और कौन है ये असुर? वो सब मैं आपको मार्ग में बताऊंगा भैया, आपने ही कहा था ना अधिक समय नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी हमें शीघ्रता करनी होगी। मयूर जी, कैसे भूलूं मैं, ये सभी तो मेरी संपूर्ण इच्छाएं अभी पूरी कर सकते हैं। कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुबेर जी। प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। आप दोनों यहाँ अचानक? हमें आपसे एक विशेष कार्य है जिसके लिए हमारा यहाँ होना आवश्यक है। कुबेर जी अब शीघ्र अपने धन कोष के समस्त द्वार खोल दीजिए। कदाचित मुझसे सुनने में कोई भूल हुई है, अन्यथा क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि गणेश जी आप मुझे ऐसा अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? हाँ अनुज गणेश, तुम संसार के सबसे बड़े धन कोष के द्वार खोलकर उसे असुरक्षित छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो कुबेर जी से? जिससे मैं संसार के सबसे बड़े लोभी महासुर लोभासुर को अपने जाल में बंदी बना सकूं। कुबेर जी, लोभासुर से तो परिचित है ना आप, तो ये भी समझ लीजिए कि स्वर्ग के रत्नों और माता कामधेनु कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा की चोरी में
अवश्य लोभासुर का ही हाथ है। ऐसा अनर्थ होने के उपरांत भी आप सभी रत्नों और इस धनकोश को संकट में डालना चाहते हैं प्रभु? यदि लोभासुर मुक्त है तो आपका धनकोश तो वैसे भी संकट में है, क्योंकि जो चोर स्वर्ग से रत्न चुरा कर ले जा सकता है तो कभी ना कभी आपके धनकोश का धन चुराने भी अवश्य आएगा। मुझे क्षमा करें गणेश जी, मैं आपका यह आदेश पूरा नहीं कर सकता। लोभ हर विकारों में सबसे बड़ा विकार है। ये मनुष्य की बुद्धि तत्काल हरकर उसका पतन कर देता है।